हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट जेंडर न्यूट्रलिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में आज हम बात करेंगे कि हाल ही में जो सेंट्रल कैबिनेट है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है कि एक्चुअली जो लीगल एज है मैरिज की या शादी करने की वैधानिक उम्र है खासतौर से हमारी विमेन की या महिलाओं की उसको 18 साल से बढ़ा के अब 21 इयर्स कर दिया जाए उसको भी उतना ही कर दिया जाए जितनी लीगल एज ऑफ मैरिज है मेल्स की या पुरुषों की क्या है बेसिकली लॉ क्या रीजन है थॉट प्रोसेस है क्या जया जेटली कमेटी की रिकमेंडेशन है और क्या इस डिसीजन के क्रिटिसिज्म है सभी चीजों को एक बैलेंस तरीके से आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा तो हाल ही में दिसंबर फिफ्टीन को यूनियन कैबिनेट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि एक्चुअली जो लीगल एज है मैरिज की शादी करने की विमेन की उसको अब 18 ईयर से बढ़ा के 21 इयर्स कर दिया जाए और मेल्स की लीगल एज अभी क्या होगी ऑलरेडी 21 इयर्स इस डिसीजन के साथ जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन लेने जा रही है कि एक्चुअली इसके बजाय कि मेल्स के लिए अलग एज हो फीमेल्स के लिए अलग एज हो जेंडर बेस्ड बेसिकली ये डाइवर्जन डिफ्रेंसिएशन हो इसको अब एक यूनिफॉर्म लेवल पर लाके चाहे मेल हो या फीमेल हो अगर आपको शादी करनी है तो आपकी एज लीगल मैरिज एज सेम 21 वन ईयर से होनी चाहिए अब आप सोच रहे होंगे कि जरूरत क्या है कि किसी के लिए भी चाहे मेल हो या फीमेल हो उसके लिए आप एक मिनिमम एज डिफाइन करें लीगली मैरिज के लिए जिसका जब मन करे शादी करे ना करना चाहे ना करे अपर एज डिफाइन करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है लेकिन लोअर एज तो इस एज से पहले आप शादी नहीं कर सकते उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसमें जो हमारा लॉ है वो प्रिस्क्राइब करता है एक मिनिमम एज ऑफ मैरिज उसका पर्पज यही है कि इस लॉ की वजह से अगर आप मिनिमम एज डिफाइन कर देंगे मेल और फीमेल के लिए तो उसके थ्रू आप जो चाइल्ड मैरिजेस हैं बाल विवाह हैं उनको एक तो कम कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इसके थ्रू जो माइनर्स हैं जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं उनका जो अब्यूज होता है उसको भी आप काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं रोक सकते हैं पहला पॉइंट दूसरी चीज अब आप सोच रहे अगर लीगल एज आप डिफाइन करते हैं तो कौन सा वो लॉ है या कौन से वो सेट ऑफ लॉज हैं जो इस लीगल एज को डिफाइन करते होंगे आज की तारीख में एक कोई सिंगल लॉ नहीं है जो लीगल एज को डिफाइन करता है पूरे इंडिया के लिए या सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आज की तारीख में जो लीगल एज ऑफ मैरिज है उसको जो पर्सनल लॉज हैं अलग अलग रिलीजन के वो बेसिकली डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को अपने कस्टम्स के हिसाब से जैसे अगर हिंदूज की बात करें तो हिंदूज के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो सेट करता है कि अगर आप ब्राइड हैं मतलब बेसिकली अगर फीमेल्स हैं तो आपके लिए लीगल मिनिमम मैरिज एज होगी 18 इयर्स और अगर आप ग्रूम हैं दूल्हे हैं या आप मेल हैं तो आपके लिए जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज होगी वो कितनी होगी 21 इयर्स सिमिलरली इस्लाम में जो मैरिज है कोई भी माइनर अगर प्यूबर्टी बेसिकली अटेन कर ले तो उस मैरिज को वैलिड माना जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का और प्रोहबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ये दोनों लॉज भी 18 इयर्स फीमेल्स के लिए और 21 इयर्स मेल के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं एज द मिनिमम एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज इसका मतलब अगर आप द हिंदू लॉज देख लें या हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 देख लें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देख लें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 देख लें सभी फीमेल्स के के लिए 18 years और males के लिए 18 इयर्स इयर्स और मेल्स 21 years ही प्रिस्क्राइब करते हैं ये जो नया डिसीजन है कैबिनेट का ये अगर इंप्लीमेंट किया जाता है एक बिल लाकर तो ये जितने भी बेसिकली एग्जिस्टिंग लॉज हैं द हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी इस्लामिक एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इन सभी को हो सकता है अमेंड करना पड़े ताकि ये जो डिफेंसिएशन है 18 और 21 इयर्स का मेल्स और फीमेल्स के लिए इसको अब एड पार ला के सभी के लिए एक स्टैंडर्ड 21 इयर्स पे डिफाइन किया जा सके जब कुछ लॉज हमारे पर्सनल लॉज हमारे कस्टम्स के हिसाब से ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें लीगल एज ऑलरेडी डिफाइंड है तो फिर जरूरत क्या है गवर्नमेंट को कि फिर से इस एज ब्रैकेट एज क्राइटेरिया को री एग्जामिन करें तो जो अभी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया कि जो लीगल एज ऑफ मैरिज है पर्टिकुलरली फॉर वेमेन उसको वापस से एक बार देखा जाए उसको री एग्जामिन किया जाए इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें सबसे बड़ा रीजन रहा जेनरल न्यूट्रलिटी इसका मतलब मेल और फीमेल के बेसिस पे आप अलग अलग एज क्यों डिफाइन कर रहे हैं अगर एडल्ट हैं तो दोनों सेम एज पे एडल्ट हैं अगर मैरिज के लायक हैं तो भी सेम एज ग्रुप में ही दोनों बेसिकली लायक समझे जाएं जेंडरल गैप ना हो जेंडर न्यूट्रेलिटी को चेक कर, कर लिया जाए यह एक बहुत बड़ा बेसिकली मेजर रीजन रहा दूसरा कि अगर अर्ली एज में जल्दी शादी कर दी जाती है तो इसकी वजह से जो हमारी विमेन है फीमेल्स हैं गर्ल चाइल्ड है उनको अर्ली प्रेग्नेंसी फेस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उनके न्यूट्रिशन लेवल पे चाहे वो मदर्स हो या उनके चिल्ड्रन हो और उनकी ओवरऑल हेल्थ और मेंटल well वेलबींग भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखा गया है तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन इन दोनों रीजन के अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट है उनके ऊपर साथ ही साथ जो विमेन एंपावरमेंट है या उनके एजुकेशन से कट ऑफ बेसिकली हो जाती है अगर जल्दी उनकी शादी हो जाए या उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है अगर शादी हो जाए तो हो सकता है उनको जॉब ना करने दिया जाए या बेसिकली थॉट प्रोसेस की वजह से कस्टम्स की वजह से या घर के माहौल की, की वजह से या जो एडिशनल फैमिली बर्डन है उसकी वजह से वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने में अपने बेसिकली ड्रीम्स को परस्यू करने में हो सकता है उतनी फ्रीडम उनको ना मिल पाए ये भी नेगेटिव इंपैक्ट है तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन रहा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटर्न मोर्टेलिटी रेट के साथ साथ उनका जो एक्सेस ऑफ एजुकेशन है लाइवलीहुड है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए इसके अलावा अगर अभी आप लेटेस्ट नेशनल या एन एफ एच एस फाइव का डेटा देखेंगे तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आया है कि एक्चुअली अगर आप चाइल्ड मैरिज की बात करें तो 2015-16 में चाइल्ड मैरिज रफरी 27 परसेंट के आसपास एस्टिमेट की गई थी अब 2019-20 में ये 27 परसेंट से घटकर 23 परसेंट तक पहुंच गई हैं लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है कि 23 परसेंट चाइल्ड मैरिज आज की तारीख में मॉडर्न डे एरा में 23 परसेंट भी काफी हाई नंबर के तौर पे देखा जा रहा है क्यों ना इस 23 परसेंट को और ज्यादा कम कर दिया जाए और धीरे धीरे इसको पूरी तरह खत्म ही कर दिया जाए तो ये चार या पांच बड़े रीजन रहे जिन्होंने गवर्नमेंट को फिर से इस लीगल एज ऑफ मैरिज को री एग्जामिन करने के लिए बेसिकली इंस्टिगेट किया एक इंपॉर्टेंट रोल रहा एक बहुत इंटरेस्टिंग कमिटी जिसका नाम है द जया जेटली कमिटी इनकी रेकमेंडेशंस का भी और एक्चुअली फाइनल जो यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कहीं ना कहीं इस कमिटी की रेकमेंडेशन से मेजरली इंफ्लुएंस होता हुआ दिखाई देता है जून 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है न्यूट्रिशन कैसे इंफ्लुएंस होता है एनीमिया का बेसिकली जो प्रेवलेंस है वो कैसे इंपैक्ट होता है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट एमएमआर कैसे इन्फ्लुएंस होता है इसके अलावा और भी जो सोशल इंडिज हैं विमेन को लेकर किस तरीके से इंपैक्ट होता है अगर लीगल एज ऑफ मैरिज चेंज कर दी जाए कम कर दी जाए बढ़ा दी जाए जो एक कमेटी थी इसको हेड किया गया फॉर्मर समता पार्टी प्रेसिडेंट श्रीमती जया जेटली जी द्वारा इसके अलावा इसमें नीति आयोग के मेंबर हेल्थ डॉक्टर वीके पॉल भी रहे और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के इसमें सेक्रेटरी लेवल अलग अलग मिनिस्ट्रीज से उन्होंने भी बेसिकली पार्टिसिपेट किया जो कमिटी थी इसका मैंडेट था कि इसको क्या फीसिबिलिटी हो सकता है जो लीगल एज ऑफ मैरिज है इसको बढ़ाने का और इसके अलावा अगर इस लीगल एज ऑफ मैरिज को बढ़ाया जाए तो उसका विमेन पे चाइल्ड हेल्थ पे या उनकी एजुकेशन पे, या उनके न्यूट्रिशन लेवल पे, या सोशल इंडिसेस पे क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है इसके अलावा कमिटी को यह भी कहा गया कि आप रेकमेंड करेंगे एक पर्टिकुलर टाइमलाइन कि तब तक गवर्नमेंट को अलग अलग बेसिकली पॉलिसी रोल आउट करने होंगे ताकि हम वुमेन एम्पावरमेंट को जेंडर न्यूट्रलिटी को साथ ही साथ जो हेल्थ इंडिसेस हैं चाहे एनीमिया हो आईएमआर हो एमएमआर हो उनका न्यूट्रिशन लेवल हो एजुकेशन हो इन सब को और ज्यादा बेटर हमारे कंट्री में बना पाए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इस कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन क्या रही तो जो कमेटी रही इन्होंने जो सबसे बड़ी हेडलाइन रिकमेंडेशन जिसको आप कह सकते हैं वो ये रही कि एक्चुअली जो लीगल एज ऑफ मैरिज है विमेन की जो अभी 18 ईयर्स है इसको बढ़ा के कितना कर देना चाहिए 21 वन ईयर्स और ये बेस्ड रहा बहुत सारा फीडबैक लिया गया अलग अलग स्टेक होल्डर से खासतौर से जो यंग एडल्ट रहे सिक्सटीन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पूरे कंट्री में इसके अलावा 15 से भी ज्यादा एनजीओ ऐसे एनजीओ जो ऐसे एरियाज में बेसिकली काम करते हैं यंग एडल्ट्स के साथ डील करते हैं फार फ्लंग एरियाज में या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के बीच में उनके फीडबैक के हिसाब से जो कमिटी मेंबर्स हैं उनको यह लगा कि एक्चुअली जो लीगल एज ऑफ मैरिज है चाहे किसी भी रिलीजन के हूं चाहे रूरल एरिया के हूं चाहे अर्बन एरिया के हूं उनके लिए खासतौर से फीमेल्स के लिए 18 ईयर से बढ़ाकर वन ईयर्स तक कर ही देना चाहिए कमिटी ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट को इस रिकमेंडेशन के अलावा और भी मेजर्स लेने होंगे ताकि जो हमारी फीमेल्स हैं गर्ल चाइल्ड हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए एजुकेशन का एक्सेस हम कैसे बढ़ा सके उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन बेटर कैसे कर सके या ऐसे फॉरफलंग एरिया जहां पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है या उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत दूर हैं या वहां टीचर्स नहीं आते हैं उनके लिए एजुकेशन को एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है उसके बारे में क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए इसके अलावा उनका स्किल कैसे इंप्रूव किया जाए बिजनेस ट्रेनिंग कैसे दी जाए या एजुकेशन में ही सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में कैसे इफेक्टिवली इंपार्ट किया जाए यह भी रिकमेंडेशन का एक पार्ट रही कमिटी ने यह भी कहा कि यह जो की डिलीवरीज हैं सबसे पहले इनको इंप्लीमेंट किया जाए और बाकी वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड जो बाकी एरियाज हैं वो ऑटोमेटिकली इसके बाद फॉलोअप होते ही जाएंगे कमिटी ने यह भी कहा कि अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ाई जाएं उसके अलावा मैसे स्केल पर लोगों को समझाया जाए कि एक्चुअली कम एज में मैरिज कर देने की वजह से चाहे वो मदर हो चाहे वो चाइल्ड हो या हाउस होल्ड एज ए होल हो या सोसाइटी हो नेशन हो सभी पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है एनिमी के शिकार हो जाती हैं, अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट बढ़ जाता है मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट बढ़ जाता है और उनकी एजुकेशन उनके लाइवलीहुड उनका खुद का डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट ओवरऑल बेसिकली फैमिली का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट होता है इस कमेटी ने यह भी कहा कि एक्चुअली जो भी नया लेजिस्लेशन लाया जाएगा इस 18 ईयर से बढ़ा के ट्वेंटी वन तक करने की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करवाने के लिए इससे पहले गवर्नमेंट लोगों को समझाए अवेयरनेस बढ़ाए स्टेक होल्डर्स को एंगेज करे लोगों को फायदे समझाए ताकि जब ये लेजिस्लेशन आए तो लोग समझ पाए कि ये उनके खुद के बेनिफिट में ही है हो सकता है उनके ट्रेडिशनल कल्चरल नॉर्म्स कई बेसिकली सेंचुरी से या डीकेट से एक पर्टिकुलर कस्टम को फॉलो करते आ रहे हो लेकिन ये डिसीजन साइंस बेस्ड है ये डिसीजन आज की मॉडर्न एनवायरनमेंट की रियलिटीज को बेसिकली ज्यादा बेटर केटर करने में मददगार साबित हो सकता है ये कुछ पॉजिटिव साइड्स रही लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कुछ इसका क्रिटिसिजम भी है जो चाइल्ड और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या फिर पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि हम इस लीगल एज ऑफ मैरिज को बढ़ाने का फेवर नहीं करते अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ इतना अच्छा दिखाई देता है तो फिर प्रॉब्लम है क्या उनके हिसाब से जो मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल इश्यू हो सकता है कि एक्चुअली किस एज में हमारी बच्चियों की बच्चों की शादी होगी वो ऑलरेडी एक कस्टम के थ्रू ड्राइव होता है अगर हम आर्टिफिशियलीजिस्लेशन के माध्यम से इसको 18 ईयर से बढ़ाकर देंगे तो जो कल्चर हमारा चला रहा है अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कास्ट में हो सकता है अलग अलग एरियाज में रीजन में हो सकता है वो तो उसी एज में मैरिज करने की कोशिश करेंगे इस वजह से इलीगल मैरिजेस एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएंगी उन्होंने यह भी कहा कि एक्चुअली जो चाइल्ड मैरिज में हम लगातार डिप देख रहे हैं कमी देख रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हमने लीगल एज को पहले जो कम था उसको बढ़ा के अठारह साल कर दिया इसका बहुत बड़ा रीजन है कि गर्ल्स की बेटर एजुकेशन हो गई उनका बेटर एम्प्लॉयमेंट अपर्चुनिटीज हो गई लोगों की अवेयरनेस बेसिकली बढ़ गई तो एक्चुअली अगर हमें उनका बेटर एम्पावरमेंट करना है तो लेजिस्लेशन के बजाय उनके एजुकेशन उनके हेल्थ उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इसके अलावा क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि यह जो लॉ है अल्टीमेटली हो सकता है कोवर्सिव हो और खास तौर से जो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं जैसे शेड्यूल कास्ट हो शेड्यूल ट्राइब्स हों या सोशो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन सोसाइटीज हो उनके लिए क्योंकि उनका ट्रेडिशन हो सकता है कि रिसोर्स फुल ना हो या उनका ट्रेडिशनल कल्चर इस तरीका हो कि जल्दी एज में उनकी शादी हो जाए तो उनके लिए उनके ट्रेडिशंस के खिलाफ या उनके बेसिकली बिलीफ सिस्टम के खिलाफ ये एक्ट कर सकता है और उनको एक लार्ज स्केल पर लॉ ब्रेकर्स के रूप में पोर्ट्रे कर सकता है अगर आप मेरी बात माने तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है और मुझे लगता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो लीगल एज ऑफ मैरिज जब 18 ईयर्स कर दी गई उसका भी जब एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट करवाया जाने लगा तो कहीं ना कहीं एक डेटरेंस की तरह एक्ट करता है कि अगर हम चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ बेसिकली एक्शन ले हो सकता है आपको प्रोजिक्यूट किया जा सके तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक डेटरेंस एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है और साथ ही साथ इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमारी फीमेल्स हैं 57 परसेंट से ज्यादा एनीमिया से शिकार हैं जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसकी की फाइंडिंग्स में से एक है इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेरिटी रेट या मेटर्नल मोर्निटी रेट यह भी एक मेजर चैलेंज है मदर पे नेगेटिव इंपैक्ट चाइल्ड पे नेगेटिव इंपैक्ट हाउस होल्ड पर नेगेटिव इंपैक्ट तो अगर उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए बच्चियों को एजुकेशन गेन करने उनको अपना जॉब करने के लिए ज्यादा बड़ी विंडो अवेलेबल हो जाए तो मुझे लगता है मीडियम लॉन्ग शॉर्ट टर्म सभी में यह हमारी फीमेल्स के लिए हमारी फैमिलीज के, के लिए हमारे चिल्ड्रन के लिए हमारे नेशन के लिए एक पॉजिटिव स्टेप की तरह ही देखा जाना चाहिए स्टे ट्यून्ड जय हिंद जय भारत